अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ डेंटिस्ट के क्लिनिक से। मेरी अपॉइंटमेंट थी और बस मुझे जाना था अयान को साथ लेके, क्योंकि इसमा इसरा जो है वो बिज़ी थी और बस इसी वजह से अयान को मुझे साथ लेके आना पड़ा। तो बस डेंटिस्ट के पास आपको पता है कि चक्कर लगते ही रहते हैं, कभी इसमा इसरा के और कभी मेरा भी। तो बस आज मेरा टाइम था तो मैंने सोचा कि चलें जाती हूँ वहाँ पे और थोड़ा सा जो क्लिप है वो भी शूट कर लेती हूँ और आपको अपनी जो रूटीन है वो भी दिखा देती हूँ कि उसके बाद मैंने क्या क्या किया था। क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे वॉच करें वो यही सोचते होंगे कि मेरा ज़्यादातर जो टाइम है वो किचन में ही गुजर जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। पूरे दिन की जो रूटीन होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है और कुकिंग तो चलती ही है, जाहिर सी बात है, खाना तो डेली बेसिस पे बनता ही है, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि चल रही होती हैं। बाहर आना जाना भी लगा ही रहता है, बच्चों को स्कूल छोड़ना ले जाना, ये तो चीज़ें होती हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप समझ सकते हैं कि एक फैमिली को मैनेज करने वाली जो लेडी होती है, जो हाउस वाइफ होती है, उसके सर पर कितनी जिम्मेदारियाँ होती हैं और उसने अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करना होता है, वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो वहाँ पे मुझे लग रहा होता है कि मुझे आपके साथ अपनी ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, तो वो मैं कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं यान के साथ जो वापस घर जा रही थी, क्योंकि पता ही नहीं चला टाइम का और जो दोपहर है वो होने वाली है, और फिर मुझे ये भी था कि मैंने जाके कुछ ना जल्दी से बच्चों के लिए खाने के लिए भी बनाना है। तो घर आ गई थी और बस थोड़ी बहुत जो घर की क्लीनिंग है वो कर ली थी। और आज बहुत ज़्यादा दिल जो चाह रहा था ना, वो पकोड़े खाने को कह रहा था। मेरी तबीयत जब से ख़राब हुई है ना, मुझे टेम्परेचर आया ना, तो मुझे यकीन जाने ना कोई टेस्ट नहीं आ रहा खाने का। मैं कुछ भी खा रही हूँ मुझे उस तरह से टेस्ट नहीं आ रहा था। तो रोज़ आना मेरा दिल कर रहा है कि कुछ डिफरेंट चीज़ हो, और यकीन माने मैं बना लेती हूँ, जब खाती हूँ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पता नहीं ये जो फ्लू हुआ है उसकी वजह से हो रहा है, और आजकल ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ना ये वायरल हुआ हुआ है, तो मेरे घर पे सभी बीमार हो चुके हैं। बस एक को फ्लू होता है और टेम्परेचर होता है तो साथ ही दूसरे को हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब अब भी ठीक है। और यहाँ पे जो है वो मैं पकोड़े बना रही थी, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि कुछ स्पाइसी सा बना के खाया जाए। तो बस मैंने सोचा कि मैं पकोड़े बना लेती हूँ, और पकोड़े बनाने के लिए ना यहाँ पे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक आलू और प्याज काट लिए थे, जैसे जूलियन कट होता है ना, उस तरह से मैंने कर लिए थे। तो मुझे इसी तरह से अच्छे लगते हैं पकौड़ों के अंदर प्याज और आलू ना, तो मैंने इसी तरह से काटे हैं। तो यहाँ पे कोई मैं रेसिपी तो इतनी शेयर नहीं कर रही हूँ, बस अपने जो दिन की रूटीन है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन आगे मैं आपके साथ जो चिकन कढ़ाई की बहुत ज़बरदस्त जो रेसिपी है वो शेयर करूँगी, वो बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, और पकौड़े भी इस तरह से ना बहुत मज़े के बनते हैं। तो बस मैं भी आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगे और आप भी इस तरह से ट्राई करें। तो बस आलू और प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट के इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा हरा धनिया और बिल्कुल थोड़ा सा पुदीना और मिर्चे भी मैंने शामिल कर दी थी। और उसके बाद ना जो तीन मेन चीज़ें होती हैं ना, वो ज़ीरा और जो आपको पता है कि सूखा धनिया होता है, वो साबुत लेके और अजवाइन, इन तीनों चीज़ों को लेके ना यहाँ पे ना मैंने बिल्कुल ना हल्का हल्का सा कूट लिया था कि बस थोड़ा सा क्रश हो जाए ना, जो ज़ीरा है वो भी, अजवाइन भी और जो ये सूखा धनिया है ये भी। तो इन तीनों चीज़ों को लेके ना मैंने अच्छे से ना यहाँ पे ना पीस लिया था, मतलब इतना ज़्यादा पाउडर नहीं बनाया था, सिर्फ क्रश ही किया था। और बस इन तीनों चीज़ों को क्रश करके ना जो प्याज और मैंने आलू काट के रखे ना, उसके अंदर मैं शामिल कर लूँगी, और जितने भी स्पाइस मतलब इसके अंदर जाएंगे, ज़्यादा तो अब नहीं जाएंगे क्योंकि जो तीन मेन इंग्रेडिएंट्स है वो तो इसके अंदर अभी मैं शामिल कर रही हूँ। तो बस इसके अंदर अब जो मैंने शामिल करनी है वो मैंने जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है वो शामिल करनी है, साथ ही मैंने थोड़ा सा नमक शामिल कर देना है, और बस क्योंकि यहाँ पे सूखा धनिया, अजवाइन और ज़ीरा मैं ऑलरेडी शामिल कर चुकी हूँ, तो बस इसके अंदर सिर्फ नमक और जो कुटी हुई लाल मिर्च है वही मैं शामिल करूँगी, और मज़ीद कोई स्पाइस नहीं डालूँगी। और बेसन मैंने इसके अंदर डाल दिया था, बेसन मैं बहुत कम डालती हूँ पकौड़ों के अंदर, क्योंकि मुझे क्रिस्पी क्रिस्पी जो पकौड़े होते हैं वो अच्छे लगते हैं। मैं बहुत ज़्यादा जो बेसन की थिक कोटिंग होती है वो पसंद नहीं करती जो पकौड़े होते हैं, तो बस मैंने बीच में बहुत कम जो बेसन डाल के ना तो इसका बैटर बना लिया था। अगर आप चाहते हैं कि आपके पकौड़े सॉफ्ट बने तो आप इसके अंदर एक अदद अंडा भी शामिल कर सकते हैं, उसके साथ भी पकौड़े बहुत मज़े के बनते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने अंडा शामिल नहीं किया था, मैंने बस थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना बेकिंग सोडा, वो थोड़ा सा शामिल किया था हल्का सा इनको फुलाने के लिए बिल्कुल चुटकी भर, क्योंकि मुझे थोड़े से क्रिस्पी पकोड़े अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा फूले हुए अच्छे नहीं लगते। तो इस वजह से मैंने ना बिल्कुल थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला था, और बस अब यहाँ पे मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। पकोड़े बहुत मज़े के बने थे, जितनी कम चीज़ों के साथ, जितने कम स्पाइस के साथ आप पकोड़े बनाएंगे, यकीन माने पकोड़े उतने ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। और इसके साथ अगर आप ग्रीन चटनी बना लें तो क्या ही बात है, क्योंकि ग्रीन चटनी के बगैर तो पकोड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते।
तो जी यहाँ पे पकोड़े फ्राई हो रहे हैं और बस जी किस किस के मुंह में पानी आ रहा है। अगर तो आपको भी दिल कर रहा है पकोड़े खाने का तो प्लीज़ आप भी बनाएं खाएं, क्योंकि सर्दियाँ बस जाने वाली हैं और रमज़ान का महीना आने में बस ज़्यादा टाइम नहीं है। 1 महीने के बाद बस फिर ना हमारे घरों में डेली बेसिस पे पकोड़े ही बनने वाले हैं। तो मुझे तो पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। आप में से किस किस को पसंद है मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कॉमेंट पढ़ के मुझे जो खुशी होती है वो मैं आपको लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकती। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया बोलूँगी, और जिन लोगों ने नहीं किया उनको बोलूँगी प्लीज़ आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो, जल्दी से जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलो। क्योंकि 20% लोगों ने सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और 80% लोग जो सिर्फ मेरे चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। क्या जाता है आप लोगों का चैनल को सब्सक्राइब करने में, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और यहाँ पे बन रही है ज़बरदस्त जो ग्रीन चटनी होती है, और ग्रीन चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन 1 टीस्पून, जो सफ़ेद ज़ीरा होता है वो ले लिया था 1 टीस्पून, मैंने यहाँ पे सूखा धनिया ले लिया था, नमक ले लिया था और यहाँ पे मैंने दही भी ले लिया था। और सारी चीज़ें मैंने लेने के बाद ना इनको ग्राइंडर में डाल के और अच्छे से यहाँ पे ग्राइंड कर लेना है। फ़िलहाल मैं थोड़े से दही के अंदर इसको अच्छे से ना पीस लूँगी, और बाकी का जो दही है ना वो जब ये सारी चीज़ें अच्छे से पीस जाएंगी ना उसके बाद मैं शामिल करूँगी। क्योंकि जब मैं मशीन के अंदर सारा दही ऐड करके इसको ग्राइंड करूँगी ना तो ये जो चटनी होती है बिल्कुल पानी की तरह बन जाएगी। कभी भी चटनी के अंदर पानी मत ऐड करें अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो चटनी है वो थोड़ी सी पतली हो जाए, मतलब अगर आप ज़्यादा थिक नहीं खाना चाहते तो आप इसके अंदर जो फ्रेश मिल्क होता है वो ऐड कर सकते हैं। उसके साथ ही होता है कि कभी भी चटनी के ऊपर जो एक पानी सा आ जाता है ना फ्रिज में रखने के बाद वो कभी भी नहीं आएगा। तो आप इसके अंदर जब भी ऐड करें इसके अंदर थोड़ा सा फ्रेश मिल्क ऐड कर दें तो उसके साथ एक तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है और चटनी का कलर भी ख़राब नहीं होता, और जो एक ऊपर पानी आ जाता है वो भी नहीं आता। तो बस यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, फिलहाल के लिए मैंने थोड़ा सा दही डाला था और बाकी जो दही है वो मैं इसको अच्छे से जब ग्राइंड कर लूँगी डिश आउट करूँगी तो मैं डालूँगी। तो जी चटनी भी यहाँ पे हमारी तकरीबन बन के रेडी हो चुकी है और जो हमारे पकोड़े हैं वो भी फ्राई हो चुके हैं। तो बस पकोड़े भी अब साथ साथ जो है वो मैं उतारना स्टार्ट कर दूँगी। गरम गरम पकोड़े बन के रेडी हैं और बस जी क्या बात है पकोड़ों की। और यहाँ पे बस तकरीबन जो है खाना मैंने लगा दिया था, क्योंकि साथ ही मैंने रोटियाँ भी बना ली थी और जो मुर्गी और आलू का सालन था वो भी मैंने गरम कर लिया था। तो बस जिसको जो खाना था उसने उसके साथ खा लिया। मैंने तो यहाँ पे सिर्फ जो पकोड़े होते हैं और चटनी होती है उसी के साथ मैंने रोटी खाई थी, क्योंकि मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था सालन खाने को। तो बस कभी कभी ऐसा होता है जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती तो आपको बिल्कुल भी सालन रोटी खाने का दिल नहीं करता। तो ये जो आप नेक्स्ट क्लिप देख रहे हो ये नेक्स्ट एक्चुअली मॉर्निंग का है। तो बस मैंने सोचा कि काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब रह चुकी है तो क्यों ना थोड़ी सी वॉक की जाए और जो मौसम है उसको भी इंजॉय किया जाए। काफ़ी प्लेजेंट मौसम हो रहा था और इस तरह का मौसम जो है वो देख के इंसान का दिल खुश हो जाता है। तो एक रूटीन बनी हुई है कि बस घर के काम और बाहर के जो काम हैं वो करने, लेकिन कभी कभी अपने आप को भी टाइम देना चाहिए। मेरी वैसे है रूटीन, डेली बेसिस पर मैं जाती हूँ वॉक करती हूँ और अच्छा लगता है। और यहाँ पे मेरी ज़बरदस्त सी वॉक हो चुकी है और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। यकीन माने जब इंसान अपने आप को टाइम देता है थोड़ा सा रिलैक्स होता है तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर घर आने के बाद वही रूटीन के काम करने होते हैं और उसके लिए जो थोड़ी बहुत हिम्मत होती है वो बचा के रखनी होती है। तो यहाँ पे मैंने ज़बरदस्त सी जो कढ़ाई की रेसिपी है वो आपके साथ शेयर करनी है, और ये कढ़ाई की रेसिपी नहायत आसान है, बिल्कुल जो रेस्टोरेंट स्टाइल है वो वाली रेसिपी है आपके साथ, जैसे आप बाहर खाते हैं ना चिकन कढ़ाई, ये बिल्कुल वो वाला फ्लेवर है। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया और साथ ही जो चिकन है वो भी इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी। चिकन तकरीबन यहाँ पे 1.5 किलो के करीब होगा चिकन, और ये सारा जो है वो थाई का चिकन था क्योंकि मेरे बच्चे शौक़ से यही वाला खाते हैं तो बस मैं यही वाला बना लेती हूँ। तो यहाँ पर सारा चिकन डाल लेने के बाद ना बस मैंने अब चिकन की जो है ना सिर्फ ऑयल के अंदर ना अच्छे से बुनाई कर ली। इसकी बुनाई मैंने तकरीबन यहाँ पर कुछ 4-5 मिनट के लिए करनी है, बस इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए
और जैसे ही इस चिकन का जो कलर चेंज होगा ना, तो इसके अंदर फिर मैं शामिल कर दूंगी अभी आपके सामने देखते ही देखते जो अदरक और लहसुन का पेस्ट होता है और हरी मिर्चों का, ये तीनों चीज़ों का जो पेस्ट है मैंने बना के रख लिया था क्योंकि मुझे ज़्यादातर खानों के अंदर इन्हीं तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो बस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अच्छे से इसका जो कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। तो बस इसके अंदर अब मैं शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों का भी। इसके अंदर मैंने एक अदर जो हरी मिर्च होती है वो भी ग्राइंड करके डाली थी। जो फ्रेश हरी मिर्च का टेस्ट होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है चिकन कढ़ाई के अंदर। तो अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। और ये इतनी आसान कोई रेसिपी है ना, यकीन जाने कि मैं समझ चुकी इसे बच्चे भी बना सकते हैं, इतनी कोई आसान रेसिपी है। लेकिन इसका जो फ्लेवर है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का है। तो आप ज़रूर मेरे कहने पे ना ये वाली रेसिपी बना के देखना। तो यहाँ पे अब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें जो वो भी इसके अंदर ग्राइंड करके शामिल कर दी। और बस इसके साथ ना मैंने अब इसकी भुनाई करनी है और अच्छे से इसकी जो खुशबू है ना चिकन के अंदर जो अब आ जाएगी ना, तो इसके बाद बाकी का जो प्रोसेस है वो मैं करूँगी। अच्छा जी, चिकन को मैंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे भून लिया है, इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है और खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। तो अब इसके अंदर जो टमाटर है वो मैंने काट के ना शामिल कर देने हैं। मैंने टमाटरों को सिर्फ दो हिस्सों में काटा था और इनको उल्टा करके रख रही हूँ क्योंकि जब मैं इसको बिल्कुल हल्की आँच के ऊपर दम दे दूँगी तो इसका जो छिलका है रिमूव करने में मुझे आसानी होगी। और 5-7 मिनट दम दे दिया था मैंने चिकन कढ़ाई को। और उसके बाद ना इसका जो ढक्कन है ऊपर से हटा के ना मैंने अब क्या करना है, इसका जो टमाटरों का छिलका है वो ऊपर से उतार लेना। और बड़ी आसानी के साथ ना यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने छिलके को उतार लिया है। तो बस सारे जो छिलके हैं वो इसी तरह से मैं रिमूव कर लूँगी और उसके बाद इसके अंदर अब जितने भी स्पाइस हैं वो शामिल कर लूँगी। स्पाइस हमेशा मैं जब भी चिकन कढ़ाई बनाती हूँ तकरीबन एंड के ऊपर ही जाके डालती हूँ क्योंकि जब आप चिकन कढ़ाई खाते हो तो आपको पता है रेस्टोरेंट स्टाइल में बिल्कुल फ्रेश फ्रेश मसालों की खुशबू आ रही होती है और बहुत ज़बरदस्त वो फ्लेवर होता है। तो मैं भी बिल्कुल यहाँ पे जब अब भुनाई करूँगी और साथ ही चिकन कढ़ाई यहाँ पे चिकन जो है वो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बिल्कुल जो अब ये जो इसका लास्ट वाला जो प्रोसेस है वो यही है कि इसके अंदर अब मैंने स्पाइस डाल के ना और टमाटरों के साथ इसकी मैंने अच्छे से भुनाई कर लेनी है। तो बस जी, जैसे ही इसकी अच्छे से भुनाई हो जाएगी तो ये चिकन कढ़ाई बन के रेडी हो जाएगी। इतनी कोई आसान रेसिपी है और इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त है। मैं तो अभी भी देख रही हूँ, सच में मेरे मुंह में पानी आ गया। तो मेरी मोस्ट फेवरेट ये कढ़ाई है और ये बहुत जल्दी बनती है, इस वजह से मुझे अच्छा लगता है कि इसको मैं जब भी बनाती हूँ सब लोग खुशी से खा भी लेते हैं और टाइम टेकिंग भी नहीं है। तो बस यहाँ पे आपके देखते ही देखते आप देखना कि जो चिकन कढ़ाई है ना फटाफट रेडी हो जाएगी, जैसे बाज़ार में आप जाते हो और फटाफट रेडी हो जाती है। और स्पाइस में मैंने इसके अंदर शामिल की थी 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया और 1/2 टीस्पून जो है मैंने वो नमक डाला था फ़िलहाल, क्योंकि जो मैं इसके अंदर अभी तिक्का मसाला डाली हूँ उसके अंदर भी नमक शामिल था। तो आप भी नमक अगर खाते हैं ज़्यादा तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस तिक्का मसाला के अंदर भी नमक जो होता है वो थोड़ा सा तेज़ ही होता है और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे भी डाल दिया था। तो आप देख लें अगर तो आपका फ्लेवर मतलब बना हुआ है कि आप ज़्यादा खाते हैं स्पाइस तो आप यहाँ पे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे चिकन तिक्का मसाला डालना था तो इस वजह से ना मैंने यहाँ पे जो बाकी स्पाइस है ना वहाँ पे सिर्फ 1 टीस्पून ही डाले हैं। तो आपके सामने देखना चिकन कढ़ाई कितनी ज़बरदस्त बन के रेडी हो जाएगी और चिकन तिक्का मसाले से ना इस कढ़ाई का जो फ्लेवर है वो दुबाला हो जाता है। बहुत मज़े की ये जो कढ़ाई है वो बन के रेडी हो जाती है। बस यहाँ पे मैंने फ्लेम को ना हाई कर दिया था और हाई करने के बाद ना बस यहाँ पे 4 से 5 मिनट लगे होंगे हार्डली और ये जो चिकन कढ़ाई है बन के रेडी हो गई थी। एंड के ऊपर जी यहाँ पे जा रही है खूब सारी जो अदरक होती है वो मैंने बारीक बारीक काट के इसके अंदर डाल दी थी, साथ ही मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें डाल दी हैं और थोड़ा सा बिल्कुल यहाँ पे ना एंड पे जाके ना मैं इसके ऊपर जो ब्लैक पेपर होता है वो भी शामिल कर दूंगी। तो हमारी जो चिकन कढ़ाई वो बन के रेडी हो जाएगी। तो जी ये है हमारी चिकन कढ़ाई की फाइनल लुक, ज़बरदस्त चिकन कढ़ाई बन के रेडी हो चुकी है। और इसको आप तंदूर की रोटी के साथ खाएं, तवे की रोटी के साथ खाएं, इवन बॉयल राइस के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगती है।
और बस जी एंड पे यहाँ पे इसके अंदर जा रही है जो ब्लैक पेपर मैंने आपको बोला था वो शामिल करी हूँ इसके अंदर। और बस ये शामिल करने के बाद इसको सिर्फ एक मिनट के लिए यहाँ पे मैं चलाऊँगी ताकि इसकी जो खुशबू है यहाँ पे फ्रेश फ्रेश रहे चिकन कढ़ाई के अंदर, इसके साथ जो खुशबू है बहुत ज़बरदस्त हो जाती है चिकन कढ़ाई की। और यहाँ पे मैंने जी फ्लेम ऑफ़ कर दिया है, बस इसको हल्का सा चला रही हूँ। और बस फ्लेम ऑफ़ करने के बाद यहाँ पे अब जो कोयला है उसको मैं गर्म कर लूँगी और उसके बाद ना यहाँ पे इसको धुआं दे दूँगी। तो बस ये चिकन कढ़ाई बन के हमारी रेडी हो जाएगी। तो जी ये रही फाइनल लुक चिकन कढ़ाई की। आई होप आपको चिकन कढ़ाई की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे बनाना मत भूलिएगा और अपना फीडबैक देना भी मत भूलिएगा। ये रेसिपी नहायत आसान है लेकिन इतनी ही ज़्यादा लजीज है। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी जो आज की छोटी सी रूटीन थी वो भी अच्छी लगी होगी। अगर तो आपको मेरी आज की रूटीन अच्छी लगी है और मेरा जो व्लॉग है वो अच्छा लगा है तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना भी मत भूला करें क्योंकि आपके जो कमेंट है वो मुझे पढ़ के बहुत खुशी होती है। और इंशाल्लाह ताला मिलूंगी आपसे नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।